राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन रविंद्र भाटी को अचानक सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आखिर मामला क्या है, आइए बात करते इस पर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा बताया है। हालांकि अब मामले से जुड़ा एक और पोस्ट सामने आया है, जिसमें रोहित गोदारा नाम के अकाउंट से हुए पोस्ट में कहा गया है कि उसने रविंद्र सिंह भाटी को कोई धमकी नहीं दी है और उसने ये भी कहा कि सत्ता में बैठे राजनेताओं से भाटी की सफलता हजम नहीं हो रही है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। 27 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि भाटी को मिली धमकी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। गोदारा ने पुलिस से धमकी भरे पोस्ट की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। उसने इस जांच की मांग करते हुए लिखा कि मैं रोहित गोदारा कपूरसरी, आज मुझे न्यूज के जरिए पता चला कि मेरे नाम से रविंद्र सिंह भाटी को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से धमकी मिली है। इस धमकी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी गरीब परिवार से निकलकर छात्र राजनीति से विधानसभा लोकसभा तक का सफर तय कर समाज हित के लिए काम कर रहा है, गरीबों के लिए भलाई का काम कर रहा है। ये बात सत्ता में बैठे राजनेताओं को हजम नहीं हो रही है, इसके चलते मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर भाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि उस धमकी भरे पोस्ट की निष्पक्ष जांच की जाए। हमारे भाई रविंद्र सिंह भाटी को राजनीतिक सफर में खूब उन्नति मिले, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रविंद्र सिंह भाटी को मिली धमकी पर रोहित गोदारा ने यह बयान दिया है, लेकिन वो धमकी क्या थी, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। फेसबुक पर रोहित गोदारा नाम के एक अकाउंट से लिखा गया कि रविंद्र सिंह भाटी को साफ कह रहा हूं कि अगर ज्यादा उछलने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग कहेंगे कि एक और राजकीय सितारा चला गया। आपको बता दें कि यहां पर पूर्व में सुखदेव सिंह गोगीमेड़ी की हत्या का जिक्र किया जा रहा था। आगे कहा गया कि हम तो चुनाव से पहले ही बहुत कुछ बदल सकते थे, हमने बड़े बड़ों को पैर के नीचे रखा है, हमको ना तो चुनाव लड़ना है और न ही हमें सत्ता का शौक है, हम चाहते हैं कि हमारी कौम के ऊपर कोई गलत नजर से देखने की हिम्मत ना करे। अब देखना यह है कि रविंद्र सिंह भाटी को मिली यह धमकी क्या नया मोड़ लेती है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।